हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग पर। और आज हम निकले हैं एक ऐसे जगह पर जाने के लिए जो हमारी कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। आज हम जा रहे हैं मुंडेश्वरी टेम्पल। और जो पीछे आप जो बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि देश का प्राचीनतम मंदिर है। और यहाँ पर मतलब यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर है, डेही से 80 किलोमीटर है। रास्ते में साकेत को पिक करेंगे, वहाँ पर एक दो फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ से निकलेंगे फिर और हम जाएंगे भभुआ। और भभुआ से थोड़ा सा ही दूर ये है, तो आज जाते हैं और मुंडेश्वरी मंदिर को कवर करते हैं। और आपको रास्ते में एक दो वाटरफॉल भी मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए ये ब्लॉग। हेलो पीपल, तो हम मिल चुके हैं साकेत से और राहुल लोग अभी आगे निकले हैं और हम लोग अभी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं हम लोग मुंडेश्वरी की तरफ। थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 80 किलोमीटर था, तो अराउंड 1 आवर के आसपास लगेगा क्योंकि हमारी बाइक तो चली जाएगी, बट भैया लोगों की बाइक है, थोड़ी टाइम लगेगी। और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, पब्लिक आज का कॉन्टेंट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग भभुआ के मोहनिया में आ चुके हैं और हमारे पीछे ये जो गेट है ये द्वार है जो कि हमें माँ मुंडेश्वरी मंदिर के पास लेकर के जाएगा। और यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर के अप्रोक्स में है। अगर आप जब भी मुंडेश्वरी मंदिर आएँ तो आप भभुआ से डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से भी रास्ता गया है। और भभुआ का ही जो मोहनिया है यहाँ से भी रास्ता गया है, यहाँ से रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अगर आपको भी आना हो तो आप इसी रास्ते से आएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो गेट है और यहीं से हम लोग निकलेंगे अभी के लिए। और साकेत अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे होंगे, चलते हैं यहाँ से फिर हम लोग और फिर मिलते हैं आपको माँ मुंडेश्वरी के मंदिर में। ये मोहनिया का मेन बाजार है जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास आपको खाने के सारे सामान मिलेंगे। और जब भी अगर आप आए माँ मुंडेश्वरी मंदिर के लिए तो आप हमेशा यहाँ पर रुकें और पानी के बोतल वगैरह जो भी आपको लेना है, खाने पीने का सामान आप यहाँ से ले लें, क्योंकि आगे फिर मिले कि नहीं मिले कोई आइडिया नहीं है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑटो सर्विसेज हैं, बाइक सर्विसेज हैं जो कि आपको मंदिर तक ले करके जाएंगी। हम लोग यहाँ पर इस फड़िया गेट के पास हैं और यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर के बाद हमारा मुंडेश्वरी मंदिर है। तो अभी हम लोग निकले हैं वहाँ से, हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो गया था रास्ते में, गिट्टी सर थे हम लोगों को पकड़े थे क्योंकि जो दूसरा बाइक है वहाँ पर हम लोग के पास हेलमेट नहीं था, तो हम लोग उसके लिए रोके गए थे कि विदाउट हेलमेट ड्राइव कैसे कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों का 3-4 घंटे चला गया। अब चलते हैं मंदिर में, वहाँ पर जा करके शूट उट करते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माँ मुंडेश्वरी मंदिर के पास, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से हम लोगों को अराउंड कुछ मतलब दूर जाना है। और मेरे फ्रेंड लोग बता रहे थे अराउंड 500 का अप्रोक्स में सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग तो बाइक से हैं तो बाइक से हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर आप आ रहे हैं पैदल तो आपको 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और अगर बाइक से या कार से हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू मुंडेश्वरी मंदिर के पास। तो चलिए, और जो भी वहाँ पर होगा जैसे भी होगा वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर मुंडेश्वरी मंदिर के पास। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो माँ मुंडेश्वरी मंदिर का जो मेन गेट है वो यहाँ पर पहाड़ के ऊंचाइयों के ऊपर अराउंड 800 मीटर ऊपर ये पहाड़ पे बना हुआ मंदिर है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल की कहा जाता है। और इतना पुराना है कि यहाँ के आसपास में अशोक के शिलालेख भी यहाँ पर हैं, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि मेन टेम्पल के द्वार से लेकर के मंदिर तक लेकर जाता है। तो हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको सब कुछ। मंदिर के परिसर में आ गए हैं और हमारे पीछे जो मंदिर है यही माँ मुंडेश्वरी मंदिर है। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारे एरिया में बल्कि हमारे देश, हमारे कंट्री में जितने भी टेंपल्स हैं उन टेंपल्स में ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेंपल है। और यहाँ पर अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, अगर आप कैमरा लेकर जाएंगे तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं किया
मतलब करने दिया जाएगा, तो हम बाहर से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है, और यहाँ पर आने के लिए बाइक और कार के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैदल आना हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इतना ऊपर अराउंड 500 to 800 मीटर ऊपर चढ़ना ऊपर पहाड़ पर, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिल जाए ऊपर चढ़ने के लिए तो बहुत सही है। लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ा श्रद्धा है, आप पैदल आना जाना चाहते हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं, और पैदल चढ़ने का अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन हम लोग बाइक से थे, बाइक इजीली ऊपर तक आ गई, पार्किंग में हमने बाइक खड़ा कर दिया। और हमारे पीछे आप मंदिर देखिए, ये मंदिर कैसा लग रहा है, और यहाँ पर पूजा वगैरह सब कुछ होता है, और यहाँ पूरी कमेटी वगैरह बनी हुई है कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। और आप मेरे पीछे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पुराने पुराने अवशेष बचे हुए हैं टेम्पल मंदिर में, जितने भी थे वहाँ, मतलब कब से ये सारा मंदिर टूट चुका है, किसी वजह से किसी ने अतिक्रमण किया या जैसे भी। आप देख सकते हैं ये मंदिर का चारों तरफ ये अवशेष ही हैं, आप जिस पत्थर पे भी देखेंगे ये सारे पत्थर मंदिर के पुराने अवशेष हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बैठने उठने के लिए पानी पीने के लिए सारा व्यवस्था किया गया है, और जितने भी आप आसपास देख रहे हैं सारे के सारे मंदिर के अवशेष हैं। और सब इतना होने के बाद ये हमारे पास ये टेम्पल बचा हुआ है, जो कि हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का, हमारे बिहार का ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें इस पर गर्व महसूस करने का मौका देता है। तो आप देखिए इस मंदिर को और सोचिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. तो मौसम बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा मौसम था कि यहाँ पर बारिश आने लगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि चारों तरफ बारिश ही बारिश है, और पानी आ रहा है, वैसे थोड़ा बूंदा बूंदी ही पानी है। तो अभी हम शेड आए हैं, और ये शेड भी कपड़ा का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पर गिर रहा है, तो अब चलते हैं मंदिर से नीचे और देखते हैं वहाँ पर जो भी होगा दिखाएंगे। मंदिर मतलब पहाड़ के ऊपर इतना अच्छा मंदिर बनाया गया है, रास्ता चढ़ने के लिए भी है, सब कुछ बहुत सही था। और अगर आप पैदल आ रहे हैं तो भी सही है, बाइक वगैरह कार वगैरह से आ रहे हैं तो आपको आने में जाने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि आइए और इस मंदिर में विज़िट कीजिए, और जो भी मतलब आना चाहें आप आराम से कैमूर से आ सकते हैं, मोहनिया से यहाँ पर रास्ता डायरेक्ट मंदिर पे ही रास्ता आता है। और लोग लोकल गाइड, जितने भी लोकल लोग हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा, हेल्प कीजिएगा, तो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आना है। तो कहाँ से हैं आप लोग? मोहनिया से हैं। मोहनिया से, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, तो इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो कुछ बताइए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसे सदियों से इसको गॉडेस मुंडेश्वरी, ये प्राचीन मंदिर है, इसको बहुत मतलब इसको सदी बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, इसको बहुत लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बिहार। ये अराउंड कब बनाया गया होगा ये मंदिर? मतलब अराउंड 320 BC अराउंड बनाया गया ये टेम्पल। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसे मगध एम्पायर ने इसको मतलब फिर से इसको मेंटेन किया था। बता रहे थे कि अशोक का शिलालेख भी कहीं आसपास में है, हम लोग खोज रहे थे बट मिला नहीं हम लोगों को। वही हमें आपको अच्छी अच्छी साइड से बनाया। तो हम अपने सारे जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि आप कैमूर में इस जगह पर आइए और आ करके अपने इस मंदिर में विजिट कीजिए, और देखिए कि हमारे मतलब जो हमारा धरोहर है कितना पुराना है। और लोगों ने कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे मंदिर टूटी और फिर उनको मतलब बनाया गया, लेकिन आज भी देख सकते हैं जो हमारा इतिहास है कब का, आज भी हमारा बचा हुआ है इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मंदिर कब बना था और कितना प्राचीन ये मंदिर है?
यह तो जो है जो मंदिर जो है देख रहे हैं माँ मुंडेश्वरी का मंदिर है, भारत का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक मंदिर है। ये तो किसी को जो है जानकारी नहीं है जो कब का निर्माण हुआ है। यह भारतीय पुरातत्व के अंडर में आता है, जो कि यहाँ पे पुरातत्व को एक शिलालेख से जो पता चला था, क्योंकि यह मंदिर 635 ईस्वी में विद्यमान था, उस समय यह मंदिर था। और कुछ अशोक के शिलालेख भी है, यानी कि यहाँ पे गुप्तकालीन का भी है, उत्तर गुप्तकालीन का भी है। यहाँ पे तमाम ऐसे शिलालेख है, क्योंकि ऐसे शिलालेख जो पढ़ा भी नहीं गया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं जो सारे पत्थर वगैरह पे देखने को मिल रहा है। तो यह जो है ना माँ मुंडेश्वरी का मंदिर है। यह मंदिर जो है अद्भुत मंदिर है, ऐसा मंदिर पूरा भारत उसमें कहीं नहीं है। भारत का एकलौता ऐसा मंदिर है जो अष्टकोणीय मंदिर है, ये श्रीयंत्र के आकार का है। ये माँ मुंडेश्वरी का मंदिर मुंड राक्षस को मारी हुई, इसलिए इनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। रास्ता वगैरह भी सारा सही बना दिया गया चढ़ने के लिए, जी जी जी, ताकि श्रद्धालु आराम से आ सके। जी जी, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से कि लोग विजिट करें आकर के अपना श्रद्धा? एकदम यहाँ पे जो है दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनका जो है मनोकामना जो है माता जी पूर्ण करती है। बहुत ही जागृत माता है। यहाँ पे एक जो है और अद्भुत प्रथा है, बलि जो है दिया जाता है हर जगह बकरे का काट के, लेकिन यहाँ पे बिना जो है रक्त बहे ही माता जी जो है बलि स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि ये अद्भुत प्रथा है। ये बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ पे अहिंसक बलि उसको जो है नाम दिया है। तो ये कब कब होता है ये, मतलब ऐसा जब भक्त लेके आ जाए होता है, कभी भी आ सकते हैं जी। इसका कोई निर्धारित समय नहीं, जब भक्त लेके आ जाए तब होता है। माता जी के समक्ष में जो बकरी को लेटा देते हैं, ये फूल जो है चरण से उठा के उसके शरीर पे रख देंगे, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है, अचेत अवस्था उसको कहते हैं। तो हम भी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी विजिट करने चाहते हैं, यह चमत्कार जो है केवल जो है यही मुंडेश्वरी दरबार में ही जो है माता जी के दरबार में ही जो देखने को मिलता है, ऐसा कहीं पूरा भारतवर्ष में नहीं जो है देखने को मिलता है, अद्भुत है ये। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों के धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोग चल रहे हैं अशोक शिलालेख देखने के लिए। आप सोच सकते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, और अभी आपको दिखाते हैं ये नीचे रास्ता क्या है जो भैया लोग हम लोग को लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक शिलालेख मिलेगा, और एक जगह है जो सुसाइड पॉइंट कहते हैं, इसलिए नहीं कि वहाँ पर सुसाइड लोग करते हैं, एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बट उसके अलावा वहाँ उसके आगे कुछ है नहीं, इसलिए लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं लोकल लोग। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस तो अभी हम लोग यहाँ निकले हैं इतने जंगल में चलने के बाद ये बाहर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से नज़ारा कैसा आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंशिएंट में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है, और भैया एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरीके से बनाया गया है। तो भैया आप बताइए। ये देखिए कितना बारीकी से नक्काशी बनाया गया है। ये देखिए कुछ फ्लावर का पेटल्स है, हाँ, दर्शाया गया है। और ये देखिए कुछ अजीबो गरीब लैंग्वेज है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में लोग यूज करते होंगे। हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग स्टोन लेके घूमते थे, उसी से अपना नक्काशी बना दिया। तो यानी कि इतना पुराना टेम्पल है जो कि आप मतलब बता रहे हैं कि उस समय जब जो आदि मानव लोग थे उस समय का बता रहे हैं। वो कोई धर्म या फिर जात को क्या नहीं करते, वो लोग वो इतिहास बताते हैं, जो मिलता था स्टोन तो उससे आप नक्काशी करते कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और सिविलाइजेशन कितना पुराना है, जो कि आप यहाँ पे अवशेष देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखें आप, कहा जाता है आज तो बच्चों पेज कॉपी पे नहीं लिख पाते हैं, पर देखिए हम लोग का इतिहास लोग पत्थर पे लिख के इतिहास बना दिए। क्या सही बात है, क्या खतरनाक नकाशी है ये देखिए, मतलब क्या गजब की है एकदम। और इस ये देखिए कोई अल्फाबेटिकल है, मतलब बहुत पुराना सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और इस जगह को कुछ लोग मतलब सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या पहले? पहले कुछ मतलब आशिक बाज लोग थे जो मतलब कि प्यार में धोखा खा के मतलब सुसाइड कर लेते थे, तो अब ये नहीं होती है, पहले की बात थी, बट अब ये सब बंद हो चुकी है। भैया का बताने का मतलब ये है कि जितनी भी ड्रॉइंग्स आप देख रहे हैं पत्थर पर, आप सोच सकते हैं कि आदमी आजकल के लोग कॉपी और पेन पर ड्रॉइंग बनाने में इतना मुश्किल और कितना हार्ड होता है, और शायद यही अवशेष है जिसे अशोक का शिलालेख कहते हैं।
और लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नज़ारा देखिए चारों तरफ। यहाँ पर हम लोग अराउंड 800 मीटर हाइट पर होंगे और आप देख सकते हैं आसपास में कैसा नज़ारा है। तो हम लोग मुंडेश्वरी माँ का मंदिर विजिट कर दिए और अभी यहाँ पर आए थे अशोक का शिलालेख देखने के लिए और अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। आपको हमने बहुत कुछ दिखाया रास्ते से लेकर के और मंदिर तक। तो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इनिशियल डेज है तो थोड़ा व्यूज़ चाहिए, थोड़ा सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।